हेलो ऑल, आशा करते हैं आपको मेरा पिछला वीडियो पसंद आया होगा जिसमें मैंने आपको बेबी गर्ल्स के यूनिक नेम बताए थे। अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गए हैं, लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। हाय, मैं हूँ पूजा और आप देख रहे ए टू जेड ट्रेनिंग नेम। सो लेट्स बिगिन। माता पिता रख सकते हैं, खुद से मिलता हुआ बच्चे का नाम आसान है तरीका। जब घर में नन्हा मेहमान आने वाला होता है तो हर कोई उसे लेकर खूब उत्साहित होता है। हर चीज की तैयारी के साथ बच्चे के नाम को लेकर भी लोग काफी उलझन में रहते हैं। आज के समय में बच्चों के नाम रखना भी किसी चैलेंज से कम नहीं है, क्योंकि नाम किसी भी व्यक्ति की पहचान होता है और नाम से व्यक्ति का व्यक्तित्व भी झलकता है। आज हम आपको बच्चों के नाम रखने के सरल और अच्छे तरीके बता रहे हैं, तो आखिर तक मेरे साथ बने रहिए क्योंकि आपको ये तरीके बहुत ही मददगार होने वाले हैं। किताबों से दूर होगी कंफ्यूजन। नामकरण के लिए बाजार में कई किताबें मौजूद हैं, आप उनका सहारा भी ले सकते हैं। इन किताबों में आपको नाम और उनका अर्थ भी मिल जाएगा, जिससे आपको नाम की तलाश करने में अधिक मुश्किल नहीं आएगी। दोस्तों से सलाह ले। दोस्त जिंदगी के हर कदम पर काम आते हैं। अपने बच्चे के नाम पर सलाह मशवरा करने के लिए भी आप अपने खास दोस्तों को शामिल कर सकते हैं। ध्यान रखें, ऐसे दोस्तों से सलाह लीजिए जो पहले से पेरेंट्स बन चुके हैं, क्योंकि उन्होंने पहले भी अपने बच्चे के नामकरण के लिए कवायद की है, तो वे आपको बेहतर सलाह दे सकते हैं। परिवार से भी पूछे। घर में यदि कोई है जिसका नाम बहुत प्रसिद्ध है और घर के अन्य सदस्यों को भी यह नाम पसंद आ गया है, तो उस नाम के आधार पर बच्चे का नामकरण कर सकते हैं। कई बार तो लोग अपने अभिभावकों के नाम पर बच्चे का नामकरण करने के लिए बच्चे के होने का इंतजार कर सकते हैं। तो यदि आपके घर में भी कोई ऐसा है तो उसके लिए आपके घर वाले आपको अच्छी सलाह दे सकते हैं। इंटरनेट है अच्छा ऑप्शन। आज के समय में इंटरनेट हर समस्या का समाधान बन गया है। अगर किसी को कहीं भी दिक्कत आ रही है तो वह इंटरनेट की शरण में जाता है। ठीक इसी तरह आप अपने बच्चे के नाम को फाइनल करने के लिए भी इंटरनेट का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट पर आपको लाखों नामों की सूची उनके अर्थ सहित मिल जाएगी। उनमें से एक अच्छे नाम का चुनाव अपने बच्चे के लिए कीजिए। मनपसंद नामों की लिस्ट बनाएं। बच्चे के नामकरण के लिए आपके साथी से अच्छी सलाह शायद ही कोई आपको दे सकता है, इसलिए बच्चे के नामकरण से पहले अपने साथी की मदद से कुछ नामों की लिस्ट बनाएं। इसके बाद किसी एक नाम पर सहमति बनाएं, क्योंकि आपके घर के सभी नामों से आपकी साथी भी अच्छे से परिचित होगी। आप जो नाम अपने बच्चे को देंगे वह उसके जीवन भर की पहचान होगी, तो घबराए नहीं, हर पहलू को ध्यान से परखे। थैंक्स टू ऑल मेरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।